पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है, जिसे सदियों से अनेक बीमारियों का उपचार करने के लिए किया जा रहा है। भारत के साथ ही आज पूरा विश्व योग की शक्ति को समझ गया है। योग के महत्व को समझते हुए देश और विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद महानगर में RSS द्वारा 69 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम मनाए गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य आध्यात्मिक और शारीरिक अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। योग दिवस पर कार्यक्रम तो एक दिन हो रहा है, यहाँ से हम लोग योग सीख कर जाए तो प्रतिदिन आधा घंटा योग करेंगे तो रोगों से भी दूर रहा जाएगा। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, जो अब विदेशों में भी फैल गया है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 69 कार्यक्रम आज कर रहा है। वैसे मुरादाबाद में अन्य संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो पुरानी पद्धति है, योग ऋषियों के द्वारा दी गई है, उस पद्धति के अनुसार हम कुछ सीखें। एक दिन योग करने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ से हम सीख करके जाएंगे और अपने व्यस्त जीवन में, अपने घर पर, अपने घर की छत पर, आंगन में, कहीं पर भी हम अगर आधा घंटा जो यहाँ से सीख करके जा रहे हैं वो कर लेंगे तो उनका अगला जीवन बहुत स्वास्थ्यप्रद रहेगा। और जो नौजवान पीढ़ी है, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे दे तो उनका जो बुढ़ापा है वह स्वयं ठीक हो जाएगा। ये आज 8वां हम योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इसने पूरे विश्व ने इसको अपनाया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि ये भारतीय संस्कृति और भारतीय योग पूरे विश्व के अंदर पहुंच गया है और इसकी स्वीकार्यता बहुत अधिक बढ़ गई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।